नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मुरादाबाद में एक महिला के घर का पता नहीं बताने पर युवकों ने महिला के पड़ोसी के घर किया हमला। लहूलुहान हालत में थाने पहुंचे घायलों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट करने का लगाया आरोप। एसएसपी से शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। नहटौर इलाके में एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ का सेवन करने से इलाज के दौरान मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कानूनी कार्रवाई में जुटी। मुरादाबाद के थानाकांठ क्षेत्रांतर्गत इंटर कॉलेज में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक अभियुक्त को चोरी के 90,000 रुपये सहित किया गिरफ्तार। जनपद अमरोहा के थाना रहरा क्षेत्र में अपनी ससुराल से बच्चों संग बाइक से लौट रहे दंपति को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत, जबकि उसका पति एवं बच्चे घायल। कालागढ़ इलाके की हाइडिल कॉलोनी में जंगली हाथियों ने आबादी वाले क्षेत्र में घुसकर जमकर मचाया उत्पात। हाथियों ने कॉलोनी की सुरक्षा की दीवार को भी किया क्षतिग्रस्त। अमरोहा में हसनपुर गजरौला मार्ग पर सिहाली जागीर के निकट सड़क किनारे मिले शव के मामले में भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे कोतवाली। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर जल्द हत्या का खुलासा करने की मांग की। संभल में कोर्ट ने फिरौती के लिए मासूम का अपहरण कर हत्या करने वाले दो अपहर्ता हत्यारों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दोनों पर 1,25,000 रुपये का लगाया जुर्माना। स्योहारा इलाके में दो छोटे हाथी वाहन और एक कार की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में करीब 9 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां से कई की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर किया रेफर। बिजनौर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह आलिया नजफ़े हिंद पर 4 दिवसीय सालाना मजलिस का आगाज। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने दरगाह पहुंचकर देश और दुनिया में अमनो अमान की मांगी दुआ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। शेरकोट में 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का मामला आया सामने। आरोप है कि पड़ोस के 40 वर्षीय व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर बच्चे को बुलाकर घटना को दिया अंजाम। इसके बाद गला दबाकर हत्या करने का किया प्रयास। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पहले भी बच्चे के साथ कर चुका गलत काम। जानकारी के अनुसार शेरकोट के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले शब्बन उम्र 40 वर्ष ने उसके 9 वर्षीय बेटे को बहला फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर सरकारी अस्पताल के पीछे सुनसान जगह पर ले जाकर गलत काम किया। बच्चे के चीखने पर जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया तथा जान से मारने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। मौके पर बच्चे की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके पर अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। बच्चे की मां ने बताया कि आरोपी पहले भी बच्चे के साथ गलत काम कर चुका है।
लेकिन बच्चे ने डर की वजह से नहीं बताया। जब बच्चे के साथ मारपीट भी की तो बच्चे ने अपने घर सारी आपबीती बताई। उधर देर रात फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और सबूत एकत्रित कर ले गई। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। मैं अर्चना सिंह, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, अवगत कराना है कि कल दिनांक 24/5/2024 को बाजनी द्वारा थाना शेरपुर पर आकर सूचना दी कि पड़ोस के ही रहने वाले व्यक्ति जिसका नाम सगन है, मेरे 9 वर्षीय पुत्र को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बहला फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया तथा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया व मारपीट की। इस संबंध में थाना शेरपुर पर तत्काल FIR दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संभल के सैफ खान सराय में बंदरों का आतंक। बंदरों ने कपड़े सुखाने गई महिला पर किया हमला, महिला की हुई मौत। दरअसल मोहल्ला सैफ खान सराय में बंदरों ने एक महिला शानशाह पर उस वक्त हमला कर दिया जब शानशाह छत पर कपड़े सुखाने गई थी। बंदरों ने इतनी बुरी तरह से शानशाह पर हमला किया कि वो संभल नहीं पाई और छत से गिर गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सैफ खान सराय के अलावा संभल के कई इलाकों में बंदरों का आतंक है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। हमारी चाची छत पर गई थी कपड़े सुखाने गई थी, बंदर आ गए और उन पर बंदरों ने हमला कर दिया और वो छत से गिर गई। छत से गिरने से उनके बहुत ज़्यादा चोट आई और उन्हें हम अस्पताल भी ले गए। अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया और वो बहुत ही गरीब रेखा से आती हैं, बीपीएल परिवार से आती हैं। और हमारे 2 भाई और 1 बहन है और हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि हमें कोई थोड़ी मदद मिले। और हम बंदरों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाँ। हमारे वहाँ पर दिन ब दिन बंदरों से हादसे होते रहते हैं और हमारी चाची विधवा औरत थी। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर कालागढ़ इलाके की हाइडल कॉलोनी में जंगली हाथियों ने आबादी वाले क्षेत्र में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कॉलोनी की सुरक्षा दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने हाथी के उत्पात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कालागढ़ इलाके के लोगों का कहना है कि हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर यहां पहुंचा और हाइडल कॉलोनी में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों को देखकर वहां स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और लोग अपने घरों में कैद हो गए। काफी दिनों से अक्सर हाथी यहां पर आ जाते हैं जिससे कर्मचारी और उनके परिजन डरे हुए रहते हैं। इसकी कई बार वन विभाग से भी शिकायत की गई लेकिन अभी तक कोई कारगर कदम वन विभाग की तरफ से नहीं उठाया गया। हाथी के उत्पात मचाने की वीडियो स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजनार्गत बासमती धान के कृषक उत्पादन संगठनों एवं कृषकों व कोर कमेटी एवं क्रेता निर्यातकों का खरीफ कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिलाधिकारी ने संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि जिला बिजनौर में बासमती चावल की पैदावार बढ़ाने, जैविक खेती के रूप में खेती को विकसित करने में अपना योगदान दें और स्थानीय जागरूक किसानों को उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उनके उत्पादों की मार्केटिंग की भी व्यवस्था करें। उन्होंने कृषि से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों की प्रगति और उपलब्धियों पर आधारित कृषि में अग्रणी लाभार्थियों के सुझावों की जानकारी एवं कृषि से संबंधित सलाह समय समय पर कृषकों को उपलब्ध कराएं ताकि इससे आम कृषक वर्ग भी प्रेरित हो सके और कृषि के विकास में अपना योगदान अदा कर सके। आयोजित संवाद कार्यक्रम में उपस्थित वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा बासमती धान के कृषक उत्पादन संगठनों एवं कृषकों व कोर कमेटी एवं क्रेता निर्यातकों के अलावा जिले के प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित कर उनके विचारों से स्थानीय कृषक बंधुओं एवं जन सामान्य प्रेरणार्थ अवगत कराया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक।
मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के गांव झटपुरा में हरिद्वार के काशीपुर से चंबा जा रही शराब की पेटियों से भरी DCM में डंपर ने टक्कर मार दी, जिस कारण DCM में भरी शराब की पेटियां बिखर गईं और DCM चालक घायल हो गया। रोड पर शराब की बोतलें पड़ी देखकर लोगों ने इसका फायदा उठाया और बोतलें उठा ले गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और रोड पर पड़े कांच को साइड में कराया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम क्या आपका? सुनील। कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था काशीपुर से। अच्छा, कहाँ लेके जा रहा था? ये टीरी जा रहा था चंबा। अच्छा, तो अब कैसे हुआ है? ये आगे से डंपर आया, पता नहीं नींद में था क्या था वो, उधर से सामने को मैंने आया, जब मेरी तरफ आया तो मैंने गाड़ी उधर काटी तो वहाँ पे गाड़ी लगी, गाड़ी पीछे हट के फिर यहाँ से थोड़ा इधर को आई है गाड़ी, लुढ़कते लुढ़कते आराम से फिर यहाँ पे आई गाड़ी रुक। अच्छा, जब गाड़ी लगी घूमी है ना, तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका इसमें? इसमें नुकसान तो है, काफ़ी है। कितने तक का आएगा? लमसम होगा 15 प्लस। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट गाँव घोष। थाना कांठ क्षेत्रांतर्गत इंटर कॉलेज में नकबजनी की हुई घटना का थाना कांठ पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त फुरकान पुत्र मेहदी हसन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक हथौड़ा, एक सब्बल, एक छेनी, एक सरिया व एक सरिया मोड़ने के उपकरण बरामद किए गए। अभियुक्त फुरकान के कब्जे से कॉलेज की चोरी के 90,000 रुपये बरामद किए गए। पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त फुरकान ने बताया कि मैं DSM कॉलेज में करीब 3-4 साल से आम के पेड़ों की रखवाली करता हूं और साइकिल स्टैंड भी चलाता हूं। कॉलेज के कार्यालय में भी मेरा आना जाना रहता है। 18 मई को कॉलेज बंद होने से पहले मैंने कॉलेज के एक बाबू के पास में कॉलेज के छात्रों की फीस के रुपये देख लिए थे, जो उन्होंने मेरे सामने अपनी अलमारी में रखे थे। पैसे को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, मैं कर्जदार भी था। तब मैंने 19 मई की रात्रि में मौका देखकर ऑफिस की दीवार में कुंबल लगाकर अलमारी तोड़कर अलमारी में रखे 1,50,000 रुपये चोरी कर लिए थे, जिसमें से मैंने 60,000 रुपये कर्जदारों के दे दिए थे। बाकी शेष बचे 90,000 रुपये मेरे पास से बरामद हुए हैं। मुरादाबाद से कुणाल चंद्रा की रिपोर्ट। तो गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? कांठ में 19 मई को एक चोरी हुई थी, तो एक स्कूल में हुई ये चोरी। स्कूल का नाम है DSM स्कूल। उनके प्रधानाचार्य श्री कुमार देव अवस्थी साहब द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई 20 तारीख को कि उनके स्कूल में किसी ने कुंबल लगा के चोरी कर ली है और वो चोरी पैसों की है। तो सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आगे की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम है फुरकान, जो उन्हीं के स्कूल के पास में एक आम का बाग है उसका ठेका लिए हुए था। साथ में ये व्यक्ति स्कूल के अंदर एक साइकिल स्टैंड था उसकी भी ये वहाँ पे ठेके का काम करता था। तो जांच में जब सारी चीज़ें निकल के आई तो इनमें कई लोगों से हमने पूछताछ की, उनसे भी फुरकान से पूछताछ की और स्कूल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। तो पूछताछ के अंदर जो तथ्य प्रकाश आया उसमें शक फुरकान पे गया और फुरकान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि इसके ऊपर पहले से एक कर्जा था और कर्जे के चक्कर में इसके मन में लालच पैदा हो गया और लालच को अपने पूरा करने के लिए इसको पता था स्कूल के अंदर, चूँकि इसका आना जाना था तो इसको ये पता था स्कूल का जो फीस फीस के पैसे आते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं। तो इसने स्कूल से करीब 1.5 लाख रुपये चुराया और उसमें से चुराने के बाद इसने करीब 60,000 रुपये उसमें से अपने कर्जदारों को चुरा लिया। इसने उनका नाम भी बताया और 90,000 रुपये इससे हमें बरामद हो गए। उसके अलावा जो स्कूल में इसने कुंबल लगा गया, जो उपकरण थे, जो सरिया था, जो हथौड़ी थी, जो सारी चीज़ें हमें बरामद भी हो गई। कोई आपराधिक इतिहास है? इनके आपराधिक इतिहास को ऐसा अभी निकल के आया नहीं, क्योंकि इसकी जाँच की जा रही है। ठीक है। सियोहारा में धामपुर मार्ग स्थित चंचलपुर में उस समय चीख पुकार मच गई जब सामान लादकर ला रहे दो छोटे हाथी वाहनों को
एक अनियंत्रित अर्टिगा कार ने भीषण टक्कर मार दी। तीनों वाहनों की इस भिड़ंत में गौरव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी धामपुर, मुंशीपुत्र भूरे उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर, कुणाल पुत्र शोभीर सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम मुबारकपुर घड़ी थाना स्योहारा, योगेश कुमार पुत्र पवन सिंह उम्र करीब 15 वर्ष निवासी मुबारकपुर घड़ी थाना स्योहारा, दिवांशु पुत्र विनोद कुमार उम्र करीब 16 वर्ष निवासी ग्राम मुबारकपुर घड़ी थाना स्योहारा, अभिषेक पुत्र राम सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रायपुर थाना स्योहारा, विकास पुत्र रामचंद्र उम्र करीब 40 वर्ष निवासी उझानी जिला बदायूं, मंजीत सक्सेना पुत्र राजेंद्र सक्सेना निवासी उझानी जिला बदायूं गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों की हालत चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। छोटे हाथी स्वामी शिवचरण सिंह ने आरोपी कार चालक के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।